आ गई है 2022 के वीक 50 की BARC की TRP। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीविजन के सभी चैनल की सभी शोज की TRP। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे स्टार प्लस की ऑल शोज की TRP, जहाँ पर स्टार प्लस के सभी शोज को ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हर हफ्ते ही स्टार प्लस के सभी शोज BARC के TRP में हमेशा ही टॉप पर रहता है। अभी हम बात करेंगे स्टार प्लस के ऑल शोज के इस हफ्ते की TRP, जहां पर बन्नी शो होम डिलीवरी की इस हफ्ते TRP निकल कर आया है 1.0। इस शो को शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है 6:30 के टाइम स्लॉट पर, जहां पर ये शो January 3rd में ऑफियर जा रहा है। राज्यों की TRP इस हफ्ते निकल कर आया है 1.5। इस शो को TRP बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। लास्ट वीक से इस शो का TRP इंक्रीज हुआ है, जहां पर इस शो का टाइम स्लॉट भी चेंज होने वाला है। 4 जनवरी से 6:30 के टाइम स्लॉट पर इस शो हमें देखने को मिलेगा। पांड्या स्टोर की TRP है 2.1। इस शो को 7:30 के टाइम स्लॉट पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा TRP मिल रहा है। इस हफ्ते इस शो को TRP मिला है 2.1। जहाँ पर गुम है किसी के प्यार में की TRP है 2.7। इस शो हमें 8 बजे के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलता है। इमली की TRP निकल कर आया है 2.2। इस शो को भी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये शो हमें 8:30 के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलता है। 9 बजे के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलता है फालतू। इस शो को TRP निकल कर आया है 2.0। इस शो से ज़्यादा TRP की उम्मीद है। 9:30 के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलता है राजन शाही का सबसे लंगेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। TRP निकल कर आया है 2.1। 10 बजे के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलता है राजन शाही का ब्लॉकबस्टर शो अनुपमा, रेटिंग्स निकल कर आया है 2.8। 10:30 के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलता है एकता कपूर का शो ये है साहते, रेटिंग से 2.1। तो इस हफ्ते अनुपमा फिर से बन गए हैं 1 शो। 2nd के पोजीशन पर है गुम है किसी के प्यार में। 3rd के पोजीशन पर है इमली। 4th के पोजीशन पर है 3-3 सीरियल पांड्या स्टोर ये है साहते और ये रिश्ता का कहलाता है। और 5th के पोजीशन पर है फालतू। 6th के पोजीशन पर है राज्य और सबसे कम TRP मिला है बन्नी शाओ होम डिलीवरी की। तो ये है स्टार प्लस के ऑल शोज की TRP। इस हफ्ते कलर्स टीवी की TRP बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। जो नया शो है दुर्गा और सारू, उसको 1.3 की TRP मिला है। अभी हम बात करेंगे कलर्स टीवी के ऑल शोज की BARC की TRP वीक 50 की, जहाँ पर सुराल सिमर का season 2 की TRP निकल कर आया है 0.8। इस शो 6:30 के टाइम स्लॉट पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा TRP निकल रहा है। 6:30 के टाइम स्लॉट पर है साबी की सबारी, रेटिंग से 1.3। इस शो को भी 6:30 के टाइम स्लॉट पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा TRP मिल रहा है। उडरिया की TRP है 1.6। इस शो का TRP बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद थी क्योंकि शादी का ट्रैक भी दिखाया गया था, लेकिन TRP 1.6 ही निकल कर आया है। परिणीति की TRP है 1.6। इस शो का TRP एक जगह ही रुक गया है बहुत हफ्तों से। इस शो से 1.6 की TRP ही निकल रहा है। प्यार का साथ दर्शन धर्मपत्नी की TRP है 1.3। लास्ट वीक था 1.2। इस शो का TRP 0.1 इंक्रीज हुआ है। दुर्गा और सरू की ओपनिंग TRP निकल कर आया है 1.3। इस शो को अच्छा डिसेंट ओपनिंग मिला है कलर्स टीवी पर। शेरदिल शेरगिल की TRP है 1.0। इस शो का टाइम स्लॉट बदलने के बाद शो का TRP निकल कर आया है 1.0। पिशा सेनी की TRP है 0.9। इस शो का TRP लास्ट वीक 0.8 था, इस हफ्ते 0.9 की TRP मिला है। नागिन 6 की TRP है 1.6। इस शो का TRP कम हो गया है, लास्ट वीक था 1.7। कलर्स टीवी के ब्लॉकबस्टर रियलिटी शो बिग बॉस 16 का लास्ट वीक TRP 1.9 निकल कर आया था, इस हफ्ते भी 1.9 की TRP निकल कर आया है। बिग बॉस 16 इस हफ्ते 1 के पोजीशन पर है कलर्स टीवी पर। 2nd के पोजीशन पर है नागिन season 6, परिणीति और उदारिया। 3rd के पोजीशन पर है दुर्गा और सारू, और हम बात करें साबी की सबारी। और सबसे ज़्यादा कम TRP मिला है ससुराल सिमर का season 2, उसके बाद है पिशाचिनी। आ गई है 2022 की वीक 50 की BARC की TRP। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा चैनल ZTV के ऑल शोज की इस हफ्ते की BARC की TRP। इस हफ्ते ZTV के सभी शोज को बहुत ही बड़ा झटका लगा है क्योंकि सभी शोज की TRP बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। उसके अलावा जो नया शो था रब से है दुआ, उसको तो सबसे ज़्यादा 440 बोल का झटका लगा है क्योंकि उस शो का TRP बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा कम निकल कर आ रहा है। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे ZTV के ऑल शोज की TRP। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ZTV के सभी शोज को ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ZTV के जो शोज है उसका जो TRP है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा कम निकल कर आ रहा है। ZTV के शोज अभी तो BARC के टॉप 10 से भी बाहर हो चुका है। ZTV के शो मीत बदले की दुनिया की रीत की TRP निकल कर आया है 0.9। इस शो का लास्ट वीक भी TRP 0.9 ही निकल कर आया
आया था और इस हफ्ते भी फ्री शो का टीआरपी 0.9 ही निकल कर आ रहा है। जहां पर 7:30 के टाइम स्लॉट पर हमको देखने को मिलता है मैं हूं अपराजिता सीरियल टीआरपी है 1, लास्ट वीक भी था 1। इस शो को लास्ट वीक भी सेम टीआरपी मिला था। राधा मोहन के टीआरपी है 1.4, इस शो का लास्ट वीक टीआरपी 1.5 निकल कर आया था, इस हफ्ते 1.4 की टीआरपी निकल कर आया है, जहां पर इस शो की टीआरपी डिक्रीज हुआ है। भाग्यलक्ष्मी की टीआरपी है 1.6, लास्ट वीक था 1.6, इस शो का टीआरपी स्टेबल है। कुमकुम भाग्य की टीआरपी निकल कर आया है 1.6, लास्ट वीक भी था 1.6, इस शो का भी टीआरपी सेम निकल कर आया है। कुंडली भाग्य की टीआरपी 1.5, लास्ट वीक था 1.6, कुंडली भाग्य की टीआरपी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। राप्सी हेडवा की टीआरपी है 0.6, लास्ट वीक था 0.7, इस शो का टीआरपी बहुत ही ज्यादा कम निकल कर आ रहा है, ये शो कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। सारेगामापा लिटिल सैम्स की टीआरपी है 1.3, लास्ट वीक था 1.2, इस शो का टीआरपी इंक्रीज हुआ है। तो इस हफ्ते सिर्फ सारेगामापा लिटिल सैम्स की टीआरपी इंक्रीज हुआ है, बाकी सभी शोज की टीआरपी स्टेबल है या कम हो गई है। इस हफ्ते नंबर 1 की पोजीशन पर है जी टीवी पर भाग्यलक्ष्मी और कुमकुम भाग्य, टीआरपी निकल कर आया है 1.6। नंबर 2 के पोजीशन पर है कुंजली भाग्य, टीआरपी है 1.5। नंबर 3 के पोजीशन पर है राधा मोहन, टीआरपी है 1.4। नंबर 4 के पोजीशन पर है सारेगामापा लिटिल सैम्स 1.3। सबसे कम टीआरपी निकल कर आया है रबसे है दुआ की, टीआरपी है 0.6, उसके बाद मीत, उसके बाद मैं हूं अपराजिता। अभी हम बात करेंगे सोनी सब की ऑल शोज की टीआरपी, जहां पर धर्म योद्धा गुरुड की जो लास्ट टीआरपी था वो था 0.5। दिल दिया गल्ला की ओपनिंग टीआरपी निकल कर आया है 0.6। अलीबाबा दास्ताने काबुल की टीआरपी है 0.6। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीआरपी 1.9। पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी है 0.9। बागले की दुनिया की टीआरपी है 1.0। मैडम सर की टीआरपी है 0.5। तो इस हफ्ते जो नया शो है दिल दिया गल्ला, उसका ओपनिंग टीआरपी है 0.6। तो डिसेंट और अच्छा टीआरपी रेटिंग्स के साथ इस शो ने ओपनिंग किया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीआरपी इंक्रीज हुआ है 1.9 हो गया है इस शो का टीआरपी, जहां पर बागले की दुनिया की टीआरपी इस हफ्ते इंक्रीज हुआ है। जहां पर धर्म योद्धा गरुड़ की लास्ट वीक की टीआरपी 0.5 निकल कर आया है, जहां पर इस हफ्ते तारक मेहता का उल्टा चश्मा है नंबर 1 के पोजीशन पर, नंबर 2 के पोजीशन पर है बागले की दुनिया और नंबर 3 के पोजीशन पर है पुष्पा इम्पॉसिबल। अभी हम बात करेंगे सोनी टीवी की ऑल शोज की टीआरपी, जहां पर मेरे साई की टीआरपी है 0.5, अहिल्याबाई की टीआरपी है 0.6, बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 की टीआरपी है 0.5, कथा अनकही की टीआरपी है 0.4, कौन बनेगा करोड़पति की टीआरपी है 0.9, क्राइम पेट्रोल की टीआरपी है 0.2, इंडियन आइडल की टीआरपी है 1.7, द कपिल शर्मा शो की टीआरपी है 0.9। जहां पर इस हफ्ते बड़े अच्छे लगते हैं कथान कही और इंडियन आइडल की टीआरपी इंक्रीज हुआ है, जहां पर कपिल शर्मा शो, कौन बनेगा करोड़पति, अहिल्याबाई और मेरे साई की टीआरपी स्टेबल है या कुछ शो की टीआरपी कम हो गई है। जहां पर इस हफ्ते नंबर 1 के पोजीशन पर है सोनी टीवी पर इंडियन आइडल, नंबर 2 के पोजीशन पर है द कपिल शर्मा शो और कौन बनेगा करोड़पति। अभी हम बात करेंगे स्टार भारत की ऑल शोज की टीआरपी, जहां पर राधा कृष्णन की टीआरपी निकल कर आया है 0.2, ना उम्र की सीमा होगी टीआरपी है 0.3, अजूनी की टीआरपी है 0.3, वो तो है अलबेला की टीआरपी है 0.2, धीरे धीरे से जो नया शो है उसका ओपनिंग टीआरपी निकल कर आया है 0.2, सावधान इंडिया की टीआरपी है 0.1। तो इस हफ्ते स्टार भारत की ना उम्र की सीमा हो और अजूनी है नंबर 1 के पोजीशन पर, जहां पर बाकी सभी शोज की टीआरपी 0.2 और 0.1 निकल कर आया है, जहां पर न्यू शो धीरे धीरे से की जो ओपनिंग टीआरपी बहुत ही ज़्यादा कम निकल कर आया है 0.2। ये है ऑल शोज की टीआरपी। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।